भद्रवाह वन मंडल में केलर रेंज के कंपाउंड नंबर 13 में पेड़ों की कटाई में तेज वृद्धि हो रही है। लोगों ने वन विभाग पर हरे सोने की लूट के लिए मूक दर्शक के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया है। लकड़ी तस्करों ने पिछले सप्ताह से अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है और उन क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है जो घने देवदार और शंकुधारी जंगलों का घर है। तस्करों द्वारा बेरहमी से काटे गए पेड़ों की कुल संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जंगल के विनाशकारी दृश्य लूट के पैमाने पर लगभग पर्याप्त हैं। हालांकि वन अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए अभियान तेज कर दिया है। स्थानीय लोगों ने विभाग पर इस अधिनियम में शामिल अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि लकड़ी माफिया द्वारा अवैध वनों की कटाई से क्षेत्र का वन क्षेत्र तेजी से कम हो रहा है और वन अधिकारियों पर लकड़ी तस्करों के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया। दिन के उजाले में बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं, उन्हें कोई नहीं रोक पा रहा है। वन अधिकारियों ने सब कुछ होने दिया। वन अधिकारियों और लकड़ी तस्करों के बीच साठगांठ है, ये स्थानीय लोगों का कहना है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर तस्कर आजमाए हुए फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो जानबूझकर लकड़ी में आग लगाते हैं और फिर पेड़ों को काटने के बहाने जंगल की आग का इस्तेमाल करते हैं। संभागीय वन अधिकारी भद्रवाह चंद्र शेखर से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि हमने अपराधी की पहचान कर ली है और उचित जांच पूरी करने के बाद कुछ दिनों में चालान माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। देखिए, हमें जो मीडिया पे न्यूज़ मिली कुछ, जिसमें कंपार्टमेंट 13 में डैमेज बताया गया था, दिखाया गया, उसके बाद हमने अपनी टीम इमीडिएटली रश की थी और वहाँ पे प्रताप सिंह नाम का एक जो बंदा था, जो कंसेशनिस्ट था, जिसने एक कंसेशन ली थी, कायल की कंसेशन ली थी, और उस कायल की कंसेशन में उसकी आड़ में अपनी ही ज़मीन के साथ वहाँ एक चेक लैंड है, उसके साथ एक देवदार का जो ग्रीन पेड़ है वो काटा हुआ था। हमारी टीम ने ये केस बुक कर दिया है और बुकिंग के बाद हमने उनको निर्देश दिए हैं कि आप फौरन इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इसकी जो कार्रवाई होती है एज इंक्वायरी कंप्लीट करें और इस केस को जो है ऑनरेबल कोर्ट में चलान किया जाए, ताकि ऐसे लोग जो इस आड़ में जंगल को नुकसान करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए और ये कार्रवाई जो है अगले कुछ दिनों में अमल में लाई जाएगी, क्योंकि उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, हमारी इन्वेस्टिगेशन और गवाहत वगैरह जो हैं वो बाकी हैं और उसके बाद उन पे जो कार्रवाई जो की जाएगी।